नहीं 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 आप खाइए, ठीक है हम उस लिए आए ही, हम बैठे खाने के लिए। फिर उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी हम बम्बई के हैं, हम भी अपने पिता के इकलौते लड़के थे जैसा ये हमारा है, लेकिन हम जब छोटे थे हमारे कमरे में पिताजी आते थे तो हम डर के मारे दूसरे कमरे में चले जाते थे, और अब ये हाल है जब ये मेरा पुत्र मेरे कमरे में आता है तो मैं डर के मारे दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। क्या है मेरा लाइफ? हमने कहा सिंपल है, आप ही ने बताया, आपका जीवन दौड़ने के लिए, पहले बाप के कारण दौड़ो और बच्चे के कारण दौड़ो, मिल्खा सिंह बनो। ये चिंता है, ये चिंता नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा इसका कारण ये है कि आपको, आप बड़े भाग्यवान थे, आपको अच्छे माता पिता मिले, आपका बेटा बेचारा ऐसा दुर्भाग्य है कि बेवकूफ माता पिता मिले, इसीलिए बच्चा ऐसा निकला है। इस चिंता से कुछ नहीं होता संतो, वो हमको खा जाती है। तो ये जीवन का प्रत्येक अनुभव यदि हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया तो गुरु किसको कहते हैं? जिससे हम सीखते हैं उसको गुरु कहते हैं। हमारे भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है भागवत में, उसमें यदु महाराज हिमालय की तलहटी में गंगा बह रही है वहाँ घूमने जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं एक महात्मा जी मस्त पड़े हुए अवधूत, और उनको देख करके यदु महाराज कहते हैं कि भगवान आपके पास पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, धन दौलत नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़े नहीं, राज्य नहीं, सैन्य नहीं, पैसा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचानता नहीं आपको, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? तो वो कहते इसीलिए हम खुश हैं, एक वाक्य में इसीलिए हम खुश हैं। तो आपने ये सब कहाँ से सीखा? तो बोले अपन के गुरु से सीखा अपन ने। कौन है आपके गुरु महाराज? एक हो तो बताओ, दो दर्जन गुरु है। हम लोग दरिद्री बड़े मुश्किल से एक गुरु को पकड़ के रखते, इसलिए कि वो फैशन हो गई है और कुछ नहीं। हमारे भी गुरु है। गुरु बाहर की वस्तु नहीं है, गुरु यह प्रत्येक साधक की सीखने की क्षमता है कि जो अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से सीखता है उसने गुरु के प्रति समर्पण किया है। ये तो गुरु बताते हम करते क्या, उन्होंने बताया हुआ, कभी कुछ नहीं करते। इसीलिए हमें अपने अनुभूतियों से सीखना है, और जब हम अपने अनुभूति से सीखना शुरू करते हैं तब अन्य को प्रश्न पूछना बंद कर दें। हम अन्य को इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि आलसी है, क्यों विचार करेंगे, हमको तो प्री डाइजेस्टेड इंट्रावेनस फूड चाहिए, मुंह भी खोलने की जरूरत ना पड़े, थोड़ी तो मेहनत करें, कृपणः फल हेतवः। इसीलिए ये कृपणता यही है कि हम चिंतन नहीं करते, चिंता में फंसे रहते हैं। तो चिंतन करने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है? मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाविगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। जब हम जीवन में चलते समय 2 मिनट के लिए रुक लिए, रुक के पीछे मुड़ के देखे, आज तक हमने अपने जीवन में क्या उपलब्धि करी है, देखो क्या प्राप्त हुआ है। वही बड़े हो गए, पढ़ाई करी, शादी करी, बच्चे हुए, बच्चों ने परेशान किया, बच्चे नहीं हुए तो भी परेशान किया, आप पता नहीं स्वामी जी, पता नहीं मन नहीं लगता कि क्या करें,
मुझे लगता है मेरे पत्नी के कारण मेरा ऐसा हुआ है, मैं डाइवोर्स करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरे को पकड़ेंगे। ये कोई लाइफ है? देखो संतो, यदि हमने अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण किया तो हमको पता चलेगा आज तक हमने केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं किया है। बालस्तावत क्रीड़ा सक्ता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंता सक्ता, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्ता। इसी में फंसे रहेंगे। देखो आज तक हमने जितनी इच्छाएं पूरी करी है, ध्यान से सुनना, एक जो इक्वेशन है एक ऐसा गलत इक्वेशन है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ, ये हमारी गलत फहमी है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। इन पूरे जीवन भर हमने क्या किया है? केवल इतना ही किया है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, यही किया है। देखो पहले हम वहाँ थे और फिर हमने जॉब किया और फिर सोचा कि हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, जॉब को छोड़ा और फिर आए, फिर बहुत धक्के खाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भगवान की कृपा हो गई, फिर कोई बेवकूफ़ मिल गया और फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। जिंदगी भर हमने इच्छाओं को पूरा करना, इसके सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं, और फिर भी नहीं समझा कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। देखो यह बात भक्ति के ग्रंथों में आती है। एक भगवान के बड़े भगत थे और भगवान प्रसन्न हो गए, बोले भगत जी चलो मैं वैकुंठ एयरलाइंस की फ्लाइट लेके आया हूँ आपके लिए, डायरेक्टली वैकुंठ में जाएंगे, नॉन स्टॉप, नो हॉपिंग फ्लाइट। बोले मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं तो सबका उद्धार करूँगा। तो भगवान हंसे, सबका उद्धार तुम करोगे? मुझे तो आता ही नहीं ना लोगों का उद्धार कैसे करना है, तुम करो। तो मैं वेट करता हूँ, जाके ले आओ, किसको भी ले आओ, सबको ले जाऊँगा मैं तुम्हारे रिकमेंडेशन से, आई विल नॉट क्वेश्चन। फिर निकले भगत जी, उन्होंने सोचा सबका त्याग करके निकले हुए सन्यासियों के पास चले जाए। तो भगत जी गए बाबा जियों के पास, हमारे जैसे, बाबा जी वैकुंठ में जाने का मौका है फ्री में, चल पड़ो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे आश्रम को मार्बल फ्लोरिंग होनी है, अभी तो वहाँ शिव जी की स्थापना होनी है, और अभी तो मेरे विद्यार्थी पढ़ रहे, उनको ब्रह्म सूत्र पढ़ाना है, और ब्ला 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 ब्ला, अभी नहीं, लेट जाएंगे थोड़ा। तो बेचारा बहुत सोच रहा था, ये बाबा जी बने और हमसे भी ज़्यादा फंसे हैं। गृहस्थ लोग मार्केट में जा करके आधा किलो लेडीज फिंगर लाते हैं, हमारे जैसे बाबा जी मार्केट में जाकर के आधा ट्रक जेंट्स फिंगर लाते हैं, जेंट्स फिंगर माने गाजर, वही दुकानदारी में फंसे। फिर वहाँ से निकले, बोले चलो वानप्रस्थियों के पास चले जाए। वानप्रस्थियों के पास गए तो कहते नहीं जी, अभी तो मेरा पोता कल ही पैदा हुआ है, जब तक कि उसकी शादी नहीं होती तब तक कि मैं कैसे आ सकता। तो वानप्रस्थ ना कह दिया, गृहस्थों के पास चले गए, बोले अभी तो मेरा जीवन चला हुआ है, अभी थोड़ी जाते हैं स्वर्ग वगैरह, अभी वैकुंठ नहीं जाना, वहाँ के क्या करेंगे। विद्यार्थियों के ब्रह्मचारियों के पास गए, बोले नहीं अभी तो हमारे अष्टाध्यायी पढ़नी है, फिर पंचदशी पढ़नी है, अभी तो बहुत टाइम है। भगत बेचारा परेशान, फिर उसने गुस्से में आकर के सुअर के पास गया, चलो सुअर को ले जाते हैं। सुअर महाराज चलो हम आपको वैकुंठ ले जाते। बोले मैं अपनी सुअरानी से पूछ के आता हूँ। तो सुअरानी की बात, सुअरानी जी चलो वैकुंठ में जाने का मौका है, वैकुंठ क्या होता है उनको पूछो, अपना खाने का वहाँ